मैं अपने जो मेकअप की शुरुआत है वो करती हूँ अच्छे मॉइस्चराइजर से जो कि इधर पड़ा ही नहीं। ये मेरी बहने मुझसे अपना आप बदल करवाएंगी। सो हम सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। निकला प्रोडक्ट्स खत्म हुई हैं, कैमरा के सामने बिस्ती कराऊंगी। थोड़ी सी लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ी स्टिकी है। ओके, इसके बाद मैं यूज करूंगी प्राइमर, ग्रिप प्राइमर, विच इज वेरी गुड फॉर होल्डिंग द बेस। अच्छा, इस प्राइमर से क्या होता है आपके बेस को वो ग्रिप करता है। एज यू गाइस कैन सी ये कितना स्टिकी है। अब हमने इस पे अपने ग्रिप प्राइमर लगा लिया, जो भी लगाया उसके इसके बाद मैं लगाऊंगी हाइड्रेटिंग मिस्ट, जो कि मेरी जितनी मैंने चीजें लगाई हैं उनको लॉक करे। लेट इट ड्राई। अब मैं फेस पाउडर वाला ब्रश, मेरी बहन ने ब्लश लगाया हुआ उससे। मुझे ना इन चीजों से बहुत इरिटेशन होती है, पता नहीं क्यों। मैं सिर्फ अपने अंडर आईज के नीचे ये लगाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी बेस यहाँ लॉक रखनी है, बाकी जगह पे मुझे थोड़ा ग्लोइश इफेक्ट चाहिए तो मैं वहां पे लगाऊंगी। और ज्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का, ताकि हमारी जो बेस है वो लॉक हो जाए। बाकी पाउडर भी ज्यादा खाया जाए। दैट्स इट। अब हम लोग जाएंगे कॉन्टोरिंग की तरफ। नहीं, पहले हम जाते हैं ब्रोज की तरफ। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे अपनी आईब्रोज बनाना नहीं आती। मुझे सब मेकअप करना आता, सिर्फ अपनी आईब्रोज नहीं बनाना आती। एंड आई हेट दिस स्टेप, पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है बूढ़ा कसरत कर रहा है, पता नहीं इस चीज की। आई डोंट लाइक ये बनाना, मतलब कोई बना दे आके अच्छी लगती है, इतनी मेहनत नहीं होती मुझसे, और फिर भी बनानी पड़ती है। ओके, सो मैंने जो अपनी आईब्रोज हैं वो मुश्किल से बना ही ली। दिस इज माय फेवरेट पैलेट। आप देख सकते हैं कि खत्म हो चुकी है। ये मेरी गो टू पैलेट है, के ग्लिटर है। अगर आपने किसी पार्टी में जाना है, मेरे फोटोग्राफर ने आ जाना और उसने जूता उतार के कह रहे हैं क्या करती रही थी इतने टाइम से। मैं कहूँ कि ट्यूटोरियल बनाती रही थी। सो इसकी हालत देख के आपको लग सकता है कि मैंने कितना यूज किया इसके लिए। सबसे पहले मैं ये करूंगी कि, और मैं ऑरेंज बिल्कुल यूज नहीं करूंगी क्योंकि मेरा ड्रेस पिंकिश टोन में है। तो हम सबसे पहले इसकी पहली एंट रखेंगे अपनी आंख की। सब मेकअप आर्टिस्ट ऐसे ही करते हैं, टिप्स ले लें मुझसे। ये है मेरी आईब्रो पैलेट। इसका जो ये डार्क ब्राउन शेड है ना, ये मैं लगाऊंगी अपने ऊपर वाली साइड पे। मैं क्योंकि यूज नहीं करती हूँ ब्लैक ज्यादा पहले से, ये वाला ब्लैक और ये वाला ब्राउन हम मिक्स करेंगे इवन नीचे के लिए भी। इसको हम पाउडर से लॉक कर देंगे, ये फैलेगा नहीं फिर। वरना सम टाइम होता है ना आपका काजल फैल जाता है, वो यही रीजन होती है आप इसको अपने पाउडर से लॉक नहीं। तो मेरे पास ये वाला डार्क ब्राउन शेड था, मैंने ब्लैक को ब्लैक से लॉक नहीं किया, वो बहुत बुरा लगता है। मैंने ब्लैक को ब्राउन से, डार्क ब्राउन से लॉक किया। गोना गिव अ मेजर। अब हम लगाएंगे ब्लश पिंक कलर वाला। तारा, तीन डॉट इधर, तीन डॉट इधर। हम जब तक नहीं कि अपनी नोजी पे और यहाँ पे लगाने का भी अच्छा लगता है। हम मिक्स करेंगे इसको विथ पीच ब्लश। कहना ये थोड़ी सी पिक्चर्स में ये ज्यादा अच्छा आता है। इसको हम मर्ज करेंगे विद दिस ब्रश। मैंने वीडियो देखी, उसमें एक लड़की ऐसे लैश कर्ल करती है, उसको पता नहीं कोई बुलाता है, डरती है, उसके सारी लैशेज उसके अंदर आ जाती है, सारी टूट जाती है। मुझे बड़ा डर लगता है तब से ये आई लैश कर्ल करना, बट कभी कभी कर लेती। तो मैं हमेशा अपने लिप जो है वो ओवरलाइन करती हूँ विद अ बेसिक न्यूड ब्राउन कलर। सो इसका इससे आप लिप्स ओवरलाइन कर लो लाइक दिस। और हम अपनी एक फिंगर लेके इसका ये करेंगे। मैं दो कॉम्बोज जो है वो लिपस्टिक के मिक्स करूं ताकि थोड़ा पिंकिश टोन आए मेरे मेकअप में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना यूज दिस वन क्योंकि इसका मुझे क्रीमी टेक्सचर, आई जस्ट लव इट्स क्रीमी टेक्सचर। लेकिन ये थोड़ा सा डार्क है तो हम इसमें थोड़ा न्यूड वाला मर्ज करेंगे। और ये मैट है, अब जहां जहां मैंने लिप ओवरलाइन किए हैं वहां वहां नहीं लगाऊंगी। सो ये इसको हम ड्राई होने देते हैं थोड़े टाइम के लिए, ड्राई हो जाए, देन आई विल बी राइट बैक। सो गाइस, टाटा।